नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी योगा। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। देखिए, हम सब जीवन में क्या चाहते हैं? मजबूत शरीर, शांत दिमाग। उसके लिए योगा अभ्यास और प्राणायाम बहुत जरूरी है। शरीर मजबूत रहे, स्ट्रक्चर अच्छा रहे, मसल्स स्ट्रांग रहे, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, उन्हें करने का सही तरीका क्या है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज जिस योगाभ्यास के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसका नाम है गौमुख आसन। गौमुख आसन करने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। आप मेरी तरह बैठ जाइए जैसे मैं बैठी हूँ। मैं वज्रासन में नहीं बैठी हूँ। आप जब वज्रासन में बैठते हैं तो आपके दोनों पैर पीछे रहते हैं और आपकी जो हील्स होती हैं आपके हिप को टच करती हैं। लेकिन आपने गौमुख आसन के लिए एक पैर पर वज्रासन की तरह बैठना है और जो आपका दाहिना पैर है वो आपके बाहिने पैर के ऊपर आ जाएगा ऐसे। और आपकी जो एड़ी है वो पीछे ऐसे फ्लैट हो जाएगी फ्लोर पर और फिर आपको अपने हिप से अपनी एड़ी पर बैठना है। और आपका जो दाहिना पैर है वो बाहिने पैर की तरफ ऊपर आ जाएगा। क्योंकि आपका दाहिना पैर ऊपर है और किसी भी आसन की शुरुआत हम दाईं साइड से ही करते हैं, राइट साइड से, तो इसलिए आपका जो राइट हैंड है वो ऊपर जाएगा। आपका दाहिना हाथ ऐसे ऊपर जाएगा और बाहिना हाथ आपके पीठ के पीछे से ऊपर जाएगा और फिर आप अपने दाहिने हाथ से बाहिने हाथ की उंगलियों को पकड़ लेंगे। जो लोग ये आसन नहीं करते हैं, जिनके शोल्डर्स टाइट हैं, उनके लिए इनिशियली थोड़ा मुश्किल होगा, तो वो एक बैंड पकड़ सकते हैं। अगर वो अपनी दोनों उंगलियां नहीं छुपा रहे हैं तो बैंड से ये प्रेशर आप फील कीजिएगा अपने राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर पर। जिनको बैंड की ज़रूरत नहीं है वो मेरी तरह अपनी उंगलियों को पकड़ सकते हैं। आप चाहें, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आप अपने रिस्ट भी पकड़ सकते हैं और इस आसन को कम से कम 30 सेकेंड्स तक, यानी कि 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखिए, तभी आपको इस आसन के फायदे आगे महसूस होंगे।